हमारा यूनिट जो है, हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने लास्ट टाइम जीरो ऑर्डर एक्शन डिस्कस किया, तो आज जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम इसको समझेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स जिस कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर वन हो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। मीन्स कंसंट्रेशन जो हमारे पास होती है रिएक्टेंट की, उसकी पावर हम लेते थे वहां पे जब हमने रेट कैलकुलेट किया था, कंसंट्रेशन टू द पावर एन, एन क्या था हमें, एन हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, अगर एन की वैल्यू हमारे पास वन होगी दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन क्या लेंगे, हमारे पास एन इज इक्वल टू वन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेता हूँ, ये मान के चल रहा हूँ मैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए यूज बी, ये रिएक्टेंट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका ऑर्डर मैं मान के चल रहा हूँ कि वन है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका स्टोइकोमेट्रिक मैं एक लेता हूँ, तो यहाँ पे भी इसका एक, मीन्स एक से एक बन रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया टी इज इक्वल टू जीरो, अगर टाइम मैंने जीरो लिया इसका मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं होगी, दैट मीन्स स्टार्टिंग टाइम्स, तो इसकी कंसंट्रेशन मैं मान के चल रहा हूँ सी जीरो। वो इसलिए क्योंकि जब टी जीरो है हमारे पास जो है रिएक्टेंट है, इसका मतलब रिएक्टेंट हमारे पास है, उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, तो वो मान के मैं चल रहा हूँ उसको सी जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं बी की कंसंट्रेशन देखूँ तो बी की कंसंट्रेशन मैं जीरो लूंगा, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास, मैंने बोला टी जीरो स्टार्टिंग टाइम, रिएक्टेंट है मेरे पास, अभी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है इसका मतलब प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बना है, दैट मीन्स इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, वो हमारे पास बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो होगी जीरो। अगर मैं टी इज इक्वल टू टी टाइम लूं, मीन्स मैंने टाइम चेंज किया, उसके बाद मैंने 10 सेकंड 15 सेकंड या 10 मिनट या 15 मिनट के बाद मैं देखता हूँ इसकी कंसंट्रेशन, वो हो जाती है हमारे पास सी टी, मीन्स एट टाइम टी कंसंट्रेशन सी टी, एट टाइम जीरो कंसंट्रेशन सी जीरो। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सी टी है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन में मान के चलता हूँ वो हमारे पास बी टी होगी। अब यहाँ पे देखे रिएक्टेंट को देखे, कंसंट्रेशन सी जीरो से सी टी चेंज हो रही है कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट को देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या बढ़ रहे हैं जीरो से बी टी, इसका मतलब रिएक्टेंट क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मीन्स अगर एक गायब हो रहा है इसका मतलब एक हमारे पास बन रहा है, एक गायब हो रहा है एक भर, इसका मतलब अगर मैं सी टी की वैल्यू निकालूं इसका मतलब सी नॉट माइनस एक्स लिख सकता हूं मैं, वो इसलिए क्योंकि अगर स्टोरोमेट्री के हिसाब से इसको लिखेंगे, अगर यहां टू होता है तो यहां पे मैंने टू एक्स लिखा, मैं इसको मान के एक्स कर रहा हूं। अगर मैंने रिएक्टेंट से इनिशियल कंसंट्रेशन से एक्स कम हो रहा है, मीन्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, कितना कम हो रहा है एक्स हो रहा है, इसका मतलब एक्स बन रहा है हमारे पास, बी टी की वैल्यू क्या होगी वो भी एक्स होगी, क्योंकि एक्स कम हो रहा है एक्स बन रहा है, मीन्स वन अगर यहाँ पे है एक कम हो रहा है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास एक बन रहा है। तो हमारे पास रेट निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक होता है हमारे पास डिफरेंशियल रेट ला, एक होता है हमारे पास रेट ला। तो मैं पहले सबसे पहले डिफरेंशियल रेट ला निकालता हूं, डिफरेंशियल रेट। तो डिफरेंशियल रेट ला उसको हम कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू मीन्स स्मॉल आर इज इक्वल टू मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन, मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लिख सकते हैं डी सी बटा डी टी और साथ में साइन माइनस, क्यों, रिएक्टेंट कम हो रहा है हमारे पास, रिएक्टेंट के साथ हम माइनस लगाते हैं इसलिए मैंने भी यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो यहाँ पे ये जो डी सी बाई डी टी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए मीन्स इसकी कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो साथ में माइनस, या ऐसे लिख सकते हैं आप, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या डी सी बाई डी टी लिख सकते हैं माइनस का साइन लगा के,
चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, ए की विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और ये हमारे पास क्या बन गई, मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा हमारे पास है रेट लॉ। तो रेट लॉ को हम कैसे कंसिडर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रेट हम क्या लिखते थे, रेट इज इक्वल टू के, मैं लिखता हूं सी वन, मीन्स कंसंट्रेशन टू द पावर वन, यहां पे क्या है फर्स्ट ऑर्डर मैक्स रिएक्शन। तो इसलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं के कंसंट्रेशन टू द पावर वन। ये मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब होता क्या है, अगर मैं डिफरेंशियल रेट लॉ को देखूं, यहां पे मैंने R निकाला dc by dt is equal to minus change in concentration A with respect to t, यहां पे क्या हुआ, ये इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सेकंड इक्वेशन ये भी यहां पे रेट को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों रेट को रिप्रेजेंट करती है। मैं इनको इक्वेट करता हूं, अगर मैं इस फैक्टर को लूं तो फिर मुझे साथ में इसको लेना पड़ेगा, अगर हम इसको लेंगे फिर साथ में मुझे इस फैक्टर को लेना पड़ेगा। तो मैं करता हूं क्या हूं, वहां पे मैं ये और ये फैक्टर लेके चलता हूं, मैं लिखता हूं माइनस डीसी बटा डीटी इज इक्वल टू केसी। एक मैंने इक्वेट किया क्योंकि आर आर दोनों रेट को रिप्रेजेंट कर रहा, मैं इक्वेट कर रहा हूं दोनों को, या तो ये लूंगा इसके साथ ये, या तो फिर ये लेना है इसके साथ हमने ये, तो मैं ये लेके चलता हूं। यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं लिखता हूं dc by c माइनस का साइन इज इक्वल टू के dt। अब मैं क्या करता हूं, बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं माइनस साइन से, जब माइनस साइन से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये मेरे पास बचेगा dc बटा dt, क्योंकि यहां पे माइनस माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस के dt। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की, मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dc बाई dt इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के dt। इंटीग्रेशन या भी कंप्लीट है, कंप्लीट कब होगी, जब मैं इसको कंसंट्रेशन को यहां से सी नॉट से, सॉरी ये यहां पे डीसी बाई सी था, इसकी कंसंट्रेशन को मैं लिखता हूं कहां से थे कंसंट्रेशन, इनिशियल हमारे पास सी नॉट से और फाइनल सीटी से, और यहां टाइम के अकॉर्डिंग हमने देखना है टाइम क्या था जीरो से, और फाइनल टाइम क्या था हमारे पास टी था। यहां ये कंसंट्रेशन है, इंटीग्रेशन कंप्लीट कब होगी, जब मैं इसमें लिमिट लगाता हूं, तो लिमिट क्या हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन क्या थी सीटी, इनिशियल क्या थी मेरे पास सी नॉट, तो यहां टाइम के अकॉर्डिंग होगी लिमिट लगेगी, तो टाइम क्या था हमारे पास इनिशियल टाइम जीरो था और फाइनल टाइम मेरे पास टी था, तो ये लिमिट लगा दी मैंने। अब यहां पे होगा क्या, यहां पे इंटीग्रेशन अगर हम डीसी बाई सी मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स करेंगे, तो वो हमारे पास हम उसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग सी की, तो इसकी इंटीग्रेशन करके मैं लिखता हूं एन सी के इसको इसके इक्वल लिखता हूं, तो कंसंट्रेशन क्या थी सी नॉट से सी टी इक्वल्स टू के को बाहर कर दे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जीरो से टी था। तो यहां पे भी मैं इसको कर देता हूं, वो आएगा एन एल एन ऑफ सी सी नॉट टू सी टी लिमिट इक्वल्स टू के यहां पे फाइनल टाइम टी माइनस जीरो, तो वो आएगा एल एन ऑफ सी नॉट टू सी टी इक्वल्स टू के टी माइनस के टी। तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, इसको भी लिमिट लगा देता हूं एल एन ऑफ सी को, वो आ गया आप हमारे पास एल एन ऑफ सी टी माइनस एल एन ऑफ सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो इसको अगर मैं फिर से लिख सकता हूं एल एन ऑफ सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ऑफ
सी नॉट, ये पास इक्वेशन आ गई मेरे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये जो मेरे पास ln ऑफ सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln ऑफ सी नॉट, अगर मैं नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करूँ किसमें, लॉग टू द बेस 10 में, तो मैं इसको लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इसको कैसे करते हैं, इसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको, वो क्या हमारे पास इक्वेशन आएगी 2.302 लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस 10 किसका, सी टी का, इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग टू द बेस 10 किसका, सी नॉट का। ये बन गई इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा 2.303 से, तो यहां पे क्या होगा, वो मेरे पास आएगा लॉग टू द बेस 10 सी टी, जब डिवाइड करूंगा 2.3 से ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303 प्लस यहां क्या आएगा लॉग 10 सी नॉट। ये बन गई हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन। एक इक्वेशन मेरे पास यहां पे ये थी, लॉग नेचुरल लॉग सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एलन ऑफ सी नॉट। तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास लॉग टू द बेस 10 सी टी इक्वल टू माइनस के टी 2.303 प्लस लॉग टू द बेस 10 सी नॉट। ये दो इक्वेशन अगर हम ग्राफ बनाएंगे किसका, फर्स्ट ऑर्डर किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो फर्स्ट ऑर्डर होगी। अगर मैं यहाँ पे इसका गैप ग्राफ बनाऊँ तो हमारे पास लाइन इक्वेशन जो होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई एक्सेस पे क्या आएगा हमारे पास लॉग ऑफ सी टी, तो एक्स एक्सेस पे क्या लेंगे हम टाइम लेंगे, सी जो है वो कंसंट्रेशन लॉग क्या आएगा सी नॉट। तो ये अगर मेरे पास ग्राफ है मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास टी इज इक्वल टू टाइम क्या हमारे पास जीरो है, तो एक्स एक्सेस पे हमने क्या लेना है वाई एक्सेस पे एल एन सी टी। मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन बताया आपको, जो लाइन इक्वेशन हमारे पास होती y एक्सिस, ये y एक्सिस इसके ऊपर क्या आएगा एल एन सी टी, तो x एक्सिस के ऊपर क्या आएगा हमारे पास वो टाइम आएगा, और c क्या है कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन यहाँ पे होगी हमारे पास क्या थी कंसंट्रेशन एल एन ऑफ सी नॉट। तो यहाँ पे ग्राफ क्या है हमारे पास, स्लोप क्या आ रहा है वो माइनस में थी, इसका मतलब हमारा ग्राफ क्या हो रहा है वो डिक्रीज होगा, यहाँ पे स्लोप जो होगा वो क्या होगा माइनस के होगा। तो याद रखना हमने जीरो ऑर्डर में हमने क्या किया था, वहां पे हमने लिया था ग्राफ मगर वहां पे लॉग नहीं यूज किया था, यहाँ पे हमने लॉग का यूज किया। तो यहाँ पे स्लोप देखा हमने, यहाँ पे भी माइनस किया आया। अगर हम इस इक्वेशन का देखेंगे तो इस इक्वेशन में जो ग्राफ जो हमारे पास अगर हम बनाएंगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो लॉग सी टी और किसके अगेंस्ट बनेगा, टाइम के अगेंस्ट बनेगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो हमारे पास होगी वो होगी लॉग 10 सी नॉट। तो स्लोप जो होगा ग्राफ का ऐसे होगा, तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा हमारे पास माइनस के बटा 2.303। तो ये याद रखना यहाँ पे दो ग्राफ बनेंगे, एक का स्लोप माइनस के 2.303 और दूसरे का स्लोप माइनस के। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ नीड्स और JEE मैथ्स में ये क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे ग्राफ दिए होंगे आपको, आपको बताना होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है या जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। वहाँ पे इजी, यहाँ पे हमने लॉग का यूज़ किया, लॉग किस में यूज़ करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जब लॉग का यूज़ किया तो यहाँ पे इनका ग्राफ जो होगा, यहाँ पे स्लोप भी देखना है, अगर स्लोप के माइनस टू जैट में से फर्स्ट ऑर्डर का है और यहाँ स्लोप माइनस के वहाँ पे भी आ रहा था जीरो ऑर्डर, मगर यहाँ पे हमने याद रखना है नेचुरल लॉग ln सी टी को और टी के अगेंस्ट लिया, तो यहाँ से आप इसको पहचान सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो हाफ लाइफ है इसका, तो आगे मैं आपको डिफ्रेंशिएट भी कराऊंगा फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड, ये फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फ़र्क क्या है, तो
इसका ग्राफ कैसे आ रहे हैं, तो इसका ग्राफ कैसे आ रहे हैं, क्या क्या फर्क आ रहा है वहाँ पे, तो अब हम इसका देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड किसका, वो हमारे पास जो पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहली बात, हाफ लाइफ में जब हम टी इज इक्वल टू टी वन बाई टू, ये मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे हम बात करेंगे टी इज इक्वल टू टी वन बाई टू मीन्स टाइम का हाफ। अब हमारे पास पता है हाफ लाइफ पीरियड क्या है, पर्टिकुलर टाइम पे मतलब जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी किसकी, रेक्टेंगल की कंसंट्रेशन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उसका हाफ, मीन्स कि हमारे पास जो सी टी है इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू, जो हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन जो थी हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन उसका हाफ, फाइनल कंसंट्रेशन जो इनिशियल कंसंट्रेशन वो उसकी हाफ, तो उससे हम हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड में हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी जो हमने इक्वेशन पढ़ी कौन सी, एल एन सी टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या थी, माइनस के टी प्लस एल एन ऑफ सी नॉट, ये इक्वेशन हमने अभी ड्राइव की। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन ऑफ सी नॉट डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ सी टी इज इक्वल टू के टी। तो इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल एन ऑफ सी नॉट डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ सी टी इज इक्वल टू के टी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी टी की वैल्यू मुझे पता है, सी टी किसके बराबर है, सी नॉट बाई टू, तो मैं क्या करता हूँ एल एन सी नॉट को ऐसे लिखता हूँ, सी जीरो को एल एन सी टी की मैं लगा देता हूँ वैल्यू सी नॉट बाई टू इक्वल्स टू के, और टाइम मुझे पता है कितना है टी वन बाई टू। जब इसको मैं उल्टा करूँगा तो ये कदम यहाँ एल एन ऑफ टू इक्वल्स टू के इन टू टी वन बाई टू। तो यहाँ पे अगर हमने टी हाफ टाइम निकालना है, यहाँ पे अगर हम हाफ टाइम निकालेंगे लॉग टू को, तो लॉग टू को अगर हम एल एन नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस टेन कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 2.303 लॉग टू द बेस टेन टू इक्वल्स टू के इन टू टी वन बाई टू। तो टी वन बाई टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वो आएगा 2.303 लॉग टू द बेस टेन टू डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू टी वन बाई टू। तो ये हाफ टाइम हम निकाल रहे हैं, तो 2.303 लॉग टू द बेस टेन टू डिवाइडेड बाई के इक्वल्स टू टी वन बाई टू। तो लॉग टू किसके बराबर होता है, ये हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, 2.303 इसकी होती है 0.3010 डिवाइडेड बाई के इक्वल्स टू टी वन बाई टू। तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे यह आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के इक्वल्स टू टी वन बाई टू। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हाफ लाइफ कितना निकला हमारे पास 0.693 डिवाइडेड बाई के, तो टी वन बाई हाफ लाइफ कितना निकला ये। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, इस इक्वेशन से हमें ये पता चला जो हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लिखेंगे इसको हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो जीरो ऑर्डर में क्या देखा था हमने, वहां पे किस कहां क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। यहां पे क्या है, हाफ लाइफ टाइम, हाफ टाइम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने बताया जिसका ऑर्डर एक होगा फर्स्ट ऑर्डर कहलाएंगे, फिर हमने उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला, फिर मैंने उसके ग्राफ बताए, जो ग्राफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और जेईई मेंस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपने ये जो इक्वेशंस है कि हाफ टाइम, ये इसको भी लर्न करना है आपने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम भी याद रखने हैं आपने, और जो ग्राफ एक मैंने जो लॉग के हिसाब से आपको इक्वेशन निकाल के दी यहाँ पे, वो याद रखनी है, ग्राफ याद रखना है आपने, और इसका हाफ लाइफ टाइम याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो है फिर मैं आपको वहाँ क्लियर कराता हूँगा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या डिफरेंसेस है, ग्राफ्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है। वैसे अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये क्लियर आपको हो जाएगा, वरना तो मैं आपको ये करा दूंगा जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो भी मैं क्लियर करूँगा आपको, और फिर मैं रेट लॉ जो है आपको उस पर न्यूमेरिकल भी बताऊँगा, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो अगर एग्जाम में आ गए तो उनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, थैंक यू।